एसपी ट्रैफिक अदित प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में यातायात विभाग द्वारा गुरुवार को रेलवे स्टेशन के सामने सड़कों पर अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं 1992 से रेलवे स्टेशन के सामने चल रहे यूनियन के अवैध बस स्टेशन पर पहुंचकर एसपी ट्रैफिक ने जब यूनियन के पदाधिकारियों से बस चलाने का परमिशन मांगा तो यूनियन ने स्टे का हवाला दिया, जिसको चेक करने पर उसका समय समाप्त हो चुका था। इस पर एसपी ट्रैफिक ने सवारी भर रही बस का चालान करने के साथ ही आरटीओ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक अदित प्रकाश वर्मा ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर उत्पन्न होने वाले भीड़ को देखते हुए विभाग द्वारा सड़कों के किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया है और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों का चालान किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, ये गाड़ी इसको बड़ा कभी गए होंगे, मुझे क्या पता यार, गोरखपुर कब आए? यार प्राइवेट बसें चलती है, फिर सुन बहुत नहीं नहीं यहां से नहीं चलेंगे आप, और अंदर लगाते हैं सब, कभी नहीं चलेंगे। ये किसने आपको परमिट दे दिया? परमिट दिखाइए मुझको, परमिट लाइए। यहां से बसें नहीं चलेंगी, लाइन आके फोन करिए। हेलो हेलो हुई थी आपके आरटीओ मीटिंग हुई थी? हाँ, नहीं कोई परमिट नहीं, स्टेशन से लाने कोई परमिट नहीं, हम लोग मना किया हुआ है। स्टेशन रोड पे रोड पे कभी लगाते नहीं, नहीं नहीं रोड पे कभी गाड़ी खड़ी नहीं करते। और कहाँ आपका सर परमिट है? सब ओरिजिनल लाइए, ओरिजिनल पर गाड़ी को हाँ निकालिए। अरे कागज ला दो जी, होता है आप स्टैंड का तो क्या जाम लगाएंगे? नहीं जाम नहीं लगाते, हम लोग किसी संज्ञान में नहीं, हम लोग हाई कोर्ट से स्टे रही। आप तो नहीं है ना? आप लाइए गाड़ी, पेपर लाइए, ले आए थोड़ा बहुत रहा होगा नहीं नहीं मान लिया। जब हमको हटाया गया था यहाँ पे तब हम कोर्ट गए, स्टेशन के सामने भी सवारी नहीं है। नहीं स्टेशन साहब सभी बसें प्रतिबंधित, आप लोग कैसे लगा रहे हैं भाई? स्टेशन होगा, बस अड्डा होगा, वहाँ से सवारी नहीं की बात करिए, चालान करके आरटीओ के इधर कागज भिजवाइए, परमिट की शर्तों को उल्लंघन जा रहा है सर इसमें। हाँ यहाँ प्राइवेट गाड़ी में नहीं भरना, लिखा हुआ बकायदे सब लिख करके यार देखिए रेलवे स्टेशन के आसपास और पूरे गोरखपुर शहर में दुर्गा पंडाल लगे हुए हैं और लोग वहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं, और जिसके कारण ट्रैफिक थोड़ा हमारा बाधित सा हो रहा है। तो उस दृश्य को रखते हुए हम लोग निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके कारण जो किनारे पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं जिनके कारण लोगों में आवागमन में असुविधा हो रही है, उनको हम लोग उनका चालान कर रहे हैं और उनको निर्देशित भी कर रहे हैं कि ये जो है
अपनी गाड़ियों को ऐसी जगह पर लगाएं जिससे जनता का आवागमन बाधित ना हो। शनिवार का पांचवा दिन है, तमाम उत्सव शुरू हो गए हैं, इसको लेकर किसान बहुत ज़्यादा भीड़ चाहती सरकार जी। उसके लिए हम लोग जो हमने अपने यातायात पुलिस के लिए जो है उनको लगभग ऐसी जगहों पर जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होता है यातायात हमारा, वहाँ पर हम लोग निरंतर ड्यूटी पर लगाए हुए हैं और फोर्स भी बढ़ा दिया है। साथ में हमारे जितने TI हैं, TSI हैं, सभी लोग जो है ड्यूटी पॉइंट पर रहते हैं और किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देंगे, ये हम लोगों का पूरा आश्वासन है। हाँ, वो तो जो विसर्जन के दौरान जो हमारा परंपरागत तरीका है, मैं पिछले 2 साल मैंने दुर्गा विसर्जन कराया है तो हम लोग पूरे उसमें कंसेप्ट क्लियर है, हमको क्या करना है, कहाँ पे करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।